वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत रोहित नगर क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में विगत दो माह से हो रहे पेयजल संकट के विरोध में क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को नरिया तिराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना रहा कि लगभग एक से दो महीने से हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, जिससे यहाँ हमें रहने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ रहा है। इसके लिए हमने पार्षद व जलकल अधिकारियों से भी सूचित किया, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व जल विभाग के कर्मियों ने समझा बुझा कर लोगों को शांत कराया। मैं खुद बात कर रहा हूँ, मुकद्दर रिपोर्ट काले भाई। आप क्यों धरना दे रहे हैं? हम लोग धरना दिए हैं मजबूर होके कि हम पानी के लिए त्रस्त हैं, और काफी दिनों से लोगों से कहा जा रहा है, जल निगम से, जेई से, कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हुई। और यहाँ रोजा भी चालू हो गया, रोजा के लेके रोजा दिन भर रोजा है, पानी आ नहीं रहा है, नहा नहीं रहे हैं, नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। आज जुमा के दिन थी, आज भी काफ़ी लोग नमाज नहीं पढ़ने गए पानी की समस्या के लेके। और पानी मौके पे आ भी रही टैंकर, तो पानी इतनी गर्म आ रही है कि आदमी के शरीर पर डाल दीजिए तो जल जाएगा। और एक दिन आ रही टैंकर तो छः छः दिन टैंकर नहीं आ रही है। पानी मजबूरी यहाँ वहाँ इनसे उनसे मांगा जा रहा है, जिसके कारण कि मजबूर होकर आज जनता सड़क पर उतर आई है। उसकी समाधान के लिए हमारे लंका क्षेत्र के लंका इसको जी आए हैं और समाज का समाधान करेंगे। क्या बना के पियो? सीवर का पानी जो है, पानी देना होता है, सीवर का पानी हम लोग को नहीं चाहिए।